दोस्तों, आ गए हम अपने खेतों में और आज बनाने जा रहे हैं न्यू रेसिपी, क्योंकि आज हम अरबी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अरबी को खोदते हैं इस तरह से। आप लोग देखिए कि किस तरह से हम अरबी को निकालते हैं, इस तरह से खोद लेते हैं हम अरबी को। आज न्यू सब्जी बन रही है हमारी, घर की अरबी, बाजार की नहीं, घर की सब्जी न्यू। देखिए दोस्तों, ये है अरबी। तो फिर देखिए दोस्तों, अरबी को हमने खुदे लिया है इस तरह से। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमने अरबी को खुदेया है, तोड़ते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, अरबी को हम निकाल लेते हैं अब इस तरह से। देखिए, इस प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। दोस्तों, अरबी को निकाल लिया है हमने। अब दूसरे पेड़े को हम खोदते हैं इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों, दूसरे पेड़े को हमने खोद लिया है और दूसरे पेड़े को भी हम अरबी इसी तरह से निकाल लेते हैं। और अब इस पेड़े के पास आ गए हैं हम, तो अब इस पेड़े को भी हम इसी तरह से खोद लेते हैं। देखिए दोस्तों, अरबी को हमने खोद लिया है इसी तरह से। देखिए, अरबी को हमने खोद लिया है और हमारी अरबी खोद चुकी है। तो फिर देखिए दोस्तों, अपने खेतों से निकली हुई ये ताजी अरबी है। आज हम ताजी अरबी की सब्जी बनाने जा रहे हैं और देखिए, न्यू सब्जी है और न्यू सब्जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अरबी को साफ कर लेते हैं। हम साफ कर लेते हैं अरबी को। देखिए, पानी कपड़े का तो फिर देखिए दोस्तों, अरबी को हमने साफ कर लिया है और चलते हैं घर पर। देखिए दोस्तों, आप बनाने जा रहे हैं नई रेसिपी और अपनी देसी घर से निकाली हुई अरबी है, ताजी अरबी है। आज हम अरबी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, फटाफट गैस पर कुकर को रख देते हैं और उसमें अरबी को डाल लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, कुकर पर हमने गैस को रख दिया और उसमें अरबी को भी डाल दिया है साथ में, और पानी को भी डालते हैं हम साथ में। तो फिर देखिए दोस्तों, पानी को भी हमने डाल दिया है और हम फटाफट गैस का ढक्कन इस तरह से, देखिए दोस्तों किस तरह से, इस तरह से हम गैस का ढक्कन लगा, कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, सॉरी, इस तरह से बंद कर देते हैं कुकर को। बंद कर दिया है और हम गैस को अब चालू करते हैं। तो फिर गैस को हमने चालू कर दिया और 5 मिनट के लिए अभी हम अरबी को उबलने देते इस तरह से। तो फिर देखिए दोस्तों, अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सीटी हमने भर कर रख दी है थोड़ी, और अरबी को उतार कर नीचे रख देते हैं शर्ट में। तो इस तरह से हम अरबी को अभी नहीं खोलेंगे, सीटी ही लगी रहने देंगे तब तक के लिए। देखिए दोस्तों, अब हम मसालों को बना लेते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, इस तरह से सबसे पहले 1 चम्मच हमने मिर्ची को लिया है,
देखिए दोस्तों, एक चम्मच मिर्ची और एक चम्मच धनिया। तो देखिए दोस्तों, एक चम्मच धनिया को ले लिया है, थोड़ी और धनिया डाल दी हमने, थोड़ी डेढ़ चम्मच। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो फिर देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी हल्दी को हम डाल देते हैं। इस तरह से हमने हल्दी को डाल दिया है। तो फिर देखिए दोस्तों, कढ़ाई को हमने ले लिया है और गैस पर रख दिया है हमने कढ़ाई को। गैस को हमने चालू कर लिया है। तो फिर देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब डालते हैं हम तेल को। तो फिर देखिए दोस्तों, तेल को इस तरह से हमने कढ़ाई में डाल दिया है और तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। और हम उसमें डालते हैं, देखिए यह अजवाइन। तो अजवाइन को हम डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से भुनने देते हैं। इस मसाले को डालेंगे। तो फिर देखिए दोस्तों, अजवाइन का कलर हमारा भुन गया है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अजवाइन का कलर चेंज हो गया है। तो फिर देखिए दोस्तों, अब हम मसाले को डालते हैं इस तरह से। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये मसाला हमारा चिपका हुआ है ये पूरा निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, पानी को भी हमने डाल लिया है थोड़ा। और अब हम इस तरह से मसाले को अच्छे से देखिए दोस्तों, नमक को ले लिया हमने स्वाद अनुसार। तो नमक को हम इसी में ऐड कर देंगे। तो अब इस तरह से मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। कुकर को खोलते हैं, सॉरी कुकर को अब इस तरह से हम खोल लेते हैं और अरबी को निकाल लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से चम्मच की मदद से हम अरबी को निकाल लेते हैं। और चूंकि हमारी अरबी अच्छे से दोस्तों, सारी अरबी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं कुकर में से। तो फिर देखिए दोस्तों, अब अरबी को हम छील लेते हैं। आप लोग देखिए, इस तरह से अरबी की जो काली काली बकली है उसको इस तरह से साइड में निकाल कर रख देते हैं नीचे। चिक रहा है क्योंकि अभी अरबी गर्म है हमारी, इसलिए हम चिक रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितनी उबल गई हमारी अरबी, बहुत ज्यादा ही उबल चुकी है ना। बताइए आप लोग, ज्यादा उबल गई कि कम, कमेंट करके। अगर आप लोग बोलेंगे ज्यादा उबली तो बताएं करके। ये अरबी को ज्यादा उबलना चाहिए या कम? देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कलर आ चुका है हमारे मसाले का। मसाला हमारा, आप लोग देखिए किस तरह से कलर आ गया है हमारी सब्जी का। तो फिर देखिए दोस्तों, अरबी को हमने छील लिया है, सारी अरबी हमारी छिल चुकी है। और हम इसकी अब अरबी की करते हैं कटिंग। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से अरबी को काट लेते हैं क्योंकि अरबी बहुत चिकनी होती है। तो
फिर देखिए दोस्तों, मसाला भी हमारा भुन गया है और अभी भी कट गई और छिल गई है, अभी भी तैयार हो चुकी है। अब हम मसाले में डालते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से, इस तरह से मसाले में डाल देते हैं। देखिए सारी अरबी को हमने मसाले में डाल दिया है और अब हम इस तरह से चलाते हैं। आप लोग देखिए कि किस तरह से हम चलाते हैं, इस तरह से अरबी को चला लेते हैं थोड़ी थोड़ी। अब अरबी में हम पानी को डाल देते हैं। देखिए दोस्तों अरबी को हमने मसाले के साथ फ्राई की, किस तरह से हमने मसाले के साथ चला लिया है अरबी को, और आप लोग देख रही है। देखिए दोस्तों एक लोटे को हम पानी में लेते हैं, एक लोटा पानी ले लिया है हमने, और अब जो अरबी में हम डाल लेते हैं सारा पानी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से सारे पानी को हमने अरबी में डाल दिया है और अब इस तरह से हम अरबी को चला देते हैं। देखिए दोस्तों अब 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। अरबी में हमने पानी को डाल लिया है और 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है हमारी। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सब्जी बनी है, ताजी सब्जी है आज, घर की देश अरबी है ताजी, बिल्कुल खेतों से लेके आए हैं। देखिए दोस्तों अब डाल देते हैं धनिया को। तो फिर देखिए दोस्तों हरी धनिया, पहले साफ कर लेते हैं हरी धनिया को। इस तरह से हमने धो लिया है हरी धनिया और अब हरी धनिया को हम डाल देते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों किस तरह से काट, फिर देखिए दोस्तों अब इस तरह से हम काट कर हरी धनिया को देखिए दोस्तों हरी धनिया को हमने काट लिया और अब हरी धनिया को हम इस तरह से डाल देते हैं सब्जी में, सब्जी हमारी बनकर। देखिए दोस्तों सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें लिख के बताएं कि हमने किस तरह से ये ताजी सब्जी बनाई हुई है और हम किस तरह से बनाए। तो फिर देखिए दोस्तों अब वीडियो को करते हैं हम बाय बाय टाटा एंड।